I saw the city passing by my window. Was in the crowd, but I felt so alone. Looked at my phone like every other second. My future was blurry and numb. A tunnel where there's no light. Oh, but then you came and sat around. Hello friends, good morning, welcome back to my new vlog. हमेशा की तरह आज भी हमारी काम वाली बाई नहीं आई है, तो आपने देखा होगा कि मैं झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ. अभी पूरे घर में मैंने लगाया है झाड़ू और बाहर फिर पूरा आंगन धोया. अंदर की तरफ इधर साइड पूरा वाइपर लगाया, वहाँ से वहाँ तक पूरा. गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, पूरे घर में झाड़ू लगाया, बाहर पूरा पानी से धोया, वाइपर लगाया. और आज मैं एब्सोल्युटली लेट होने वाली हूँ. 10:49 हो गई हैं और अभी तक खाना कुछ भी नहीं किया है मैंने. सिर्फ मैंने चावल भिगाए हैं और मम्मी ने दाल बॉईल की है. मैं आटा लगा देती हूँ, मेरे को भूख लग रही है, तो जब मम्मी ने चिवड़ा भेजा है वो खाती हूँ. थोड़ी देर रेस्ट हो जाए और अपना ब्रेकफास्ट भी हो जाए. रेस्ट करने के बाद मैंने नहा लिया है, अब चलती हूँ मंदिर. मंदिर जाके आती हूँ, फिर खाना बनाऊँगी. चिकू को फ़ोन कर दिया है, अभी आ रहा हूँ. कह रहे हैं आज तो मैं लेट हो गई, 11:44 हो गई मंदिर जाते जाते. रोज़ तो 10:30 बजते में ही चले जाते हैं. और क्या पता मेरे ये हम क्या है यार, अगर आज एक फुंसी जैसा कुछ निकल गया है. दाद होता है, फुंसी होती है, बस यही होता रहता है. गाड़ी तो वहाँ खड़ी हुई है, अभी आएंगे. आज चलाऊंगी मैं. आज हम जाएंगे कल्याणपुर, तो कल्याणपुर में ही चलाने वाली हूँ. चिकू रिस्क लेके मेरे पीछे बैठ जाना. वो मंदिर से घर आने के बाद खाने की कंप्लीट प्रिपरेशन कर दी, खाना भी पूरा बना दिया है. यहाँ पर हमारी दाल बन गई है, दाल चावल भगवान के लिए बन गए क्योंकि पापा खाना खा रहे थे. और किचन भी मैंने क्लीन कर दिया रोटी बनाने के बाद. जस्ट बर्तन आधे धो दिए, आधे बाकी हैं. अभी जो खाना खाएंगे वो निकलेंगे, फिर वो वॉश करके फिर जाऊँगे मैं शॉप पे. आज तो मैं बहुत लेट हो गई हूँ, 1 बज जाएगी मुझे, 1 बज गई है जाते जाते. आज हमारे घर पे बनाई है मसूर की दाल. आप लोगों में से किन के घर पे बनती है मसूर की दाल? मसूर की दाल भी 2 टाइप की होती है, एक ऑरेंज कलर की होती है और एक हरी ब्राउन कलर की होती है. ब्राउन वाली देसी मसूर की दाल होती है, वो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है. और समर्स में तो खाने का उसका अलग ही मज़ा है. और है उसको है ना, आपने कैरी के खट्टा के साथ में बनाते हैं ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है. पर अभी हमने केरी के खट्टा के साथ हम बना नहीं रहे, अभी जब केरिया आएगी, अभी तक आई नहीं है. अच्छी अच्छी वाली जो केरिया आती है उसके साथ बनाएंगे, टेस्टी लगेगी. आएगी तब उसके साथ बनाएंगे, अभी तो हम टमाटर के साथ बनाते हैं. तो चिकू गए हैं दही लेने के लिए, अब इसके अंदर दही मिक्स करके खाएंगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है. अगर आप में से किसी ने ट्राई नहीं किया तो ट्राई करो, काली वाली मसूर की दाल यम लगेगी. और अगर ट्राई करोगे तो फिर जो टेस्टी लगेगी ना, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना. और जो खाते हैं वो तो करके बताना ही, बताना कौन खाता है. क्योंकि मैंने भी मसूर की दाल शादी के बाद ही खाई थी, शादी से पहले नहीं खाई थी, मेरे घर पर कभी नहीं बनती थी. पर जब फर्स्ट टाइम खाई अच्छी लगी मुझे, इसके बाद तो अच्छी लगती है. और पर ये दाल जो है वो समर्स में ही अच्छी लगती है, विंटर में मज़ा नहीं आता इसको खाने का. आज दाल बहुत यम्मी बनाई है मैंने, पापा को बहुत अच्छी लगी. बापू बाएगी नहीं बाएगी, हमेशा यही होता है. नहीं बाती, पापा को अच्छा लगता है, बापू नहीं लगता है. और पापा को नहीं अच्छा लगता है, बापू को लगता है. आज तो मैंने चिकू वाला बेल्ट लगाया मेरी घड़ी को, ऑरेंज वाला बनाया आज तो मैंने. फैंसी मतलब फैंसी बना, अच्छा लग रहा है. शॉप पे आने के बाद इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, मैं तो इधर लेट चुकी हूँ यहाँ पे टॉवल डाल के. और ये दोनों मैडम मैं लेने जा रही हूँ मेरा सूट, जो कि मैंने सिलवाया था थोड़े दिन पहले. जल्दी से लेके आ जाओ. ओके तेरे क्यों पहनना है, मैं पहनूंगी ना. आप ही वही दो, मैं पहन के देख लूंगी. और एक दिन रोशनी को लड़ाई करनी है मेरी जोरदार ब्लॉग में. मैं ब्लॉग बनाने वाली, मैं हार जाऊंगी. इतना जोर से बोलती नहीं, मैं बोल ही नहीं सकती.
अरे मेरे दुपट्टे लाने यार, मैं दुपट्टे ही खत्म हो गए। तो मैं मुंह इडली कह रही हूं, इडली से पड़े मुड़ बंद ही रहला उन्हें बंद है अपने तमने। नहीं यार, मेरे को बहुत गर्मी लगती है, तुम जाके ऊपर। यहां से यूं जा रहे हैं, मैं छा बिल्कुल भी धूप नहीं आएगी तुम्हें। धूप नहीं, गर्मी लगती है ना। नहीं लगती है ना। छाता है एम आपड़े इन भाई आई लगा। एक तरफ तो छाता होगा ना, एक तरफ हवा करो। ये क्या है बात लो। आज मैनीक्योर करना है, इसलिए काम करते पहले तो घड़ी गाड़ी में बह गई ना। यूं है अपन देखो बाहर जा रहे, भगवान ने धूप ही रोक दी है, तो हम जा रहे हैं मेरा सूट लेने के लिए। वहीं से चेक कर लेंगे फिटिंग कैसी है कैसी नहीं। ये लेके आएंगे, फिटिंग खराब होगी फिर जमेगा नहीं। तो दोनों जन इंसिस्ट करिए, दीदी आप भी चलो। ये दाजी भी सिला है, जिसको सिलवाना वो यहाँ आ सकते हैं। मैं आ गई हूँ। वेदिक मुझे बीच में से लेने आ गया था, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी थी। रोशनी और रीना दीदी और ये तो यहाँ पानी पूरी खा के फिर आएंगे। और ये देखो चिड़ाना चालू, चिड़ाम चिड़ी चालू। और वेदिक की हेयर स्टाइल कैसी लग रही है बताओ? चिंपामणि कौन सी होती है? नहीं, अभी हम करने वाले हैं वेदिक भाई साहब के हाईलाइट। तो चलो भैया अंदर, और रोशनी करेगी आज इसके हाईलाइट। तो यहाँ पर ये कलर तैयार हो रहा है वैदिक के करने के लिए। यहाँ पर रोशनी अच्छे सेक्शनिंग कर रही है पूरे बालों में। जो जेल वेल लगाया था, कुछ लगाया तो होगा ही होगा। कुछ नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया। तो अब यहाँ पे बाल देख सकते हो, ये अभी एकदम ऐसे प्लेन बाल हैं। अब हम आगे इनको ट्रांजिशन अच्छा मस्त इनके पूरा ट्रांसफॉर्मेशन देने वाले हैं इनके बालों को। इधर मुड़ सकते हो भैया, अच्छा दिख रहा। तो अभी हाइलाइट्स कंप्लीट हो चुके हैं, अब बालों में मस्त शैम्पू कंडीशनर हो रहा है इनके। और यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मैं केडीयू का शैम्पू और कंडीशनर। इससे बाल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि इसके बाल बहुत ज़्यादा रफ हैं, बहुत सॉफ्ट सिल्की एंड स्ट्रेट हो जाते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहाँ से जाकर बाय कर सकते हो। केडीयू का कैरेटिन भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं उसके, आप वो भी ट्राई कर सकते हो। सलोन पे आके इसकी सर्विस ले सकते हो। अब लग रहा है बालों में मास्क कंप्लीट करके कितने बजे तक? लगभग तक 7 ऊपर हो जाएगी। तो टाइम हो चुका है, 6:30 हो गई है, 6:30 बजे निकलना था। और चिकू भी आ गए मुझे लेने के लिए, और सलून में काम चल रहा है। सलून में अभी भी और मैं यहीं से तैयार होकर जा रही हूँ, क्योंकि घर पे जाऊँगी तो और लेट हो जाऊँगी। आए चिकू? ये फ़ोन कर देना, मिस्टर आ गए लेने के लिए। आज तो हम लेके जाएंगे एथर, फर्स्ट बार शादी के बाद फर्स्ट बार आया स्कूटी पे, और सुजुकी एक्सेस, और शाइन भी आ रही है, यश भी यहीं पे बैठना। तो दो हाँ बैठना, तेरे घर से कुछ लेना है क्या? घर से मेरे घर पे आके मैंने कैमरा रख दिया है, अब लैपटॉप पैक कर देती हूँ, क्योंकि ब्लॉग एडिट करना है, इसलिए फ़ोन से ही ब्लॉग करूँगी अब मैं। सब कंप्लीट इसके अंदर आएगा थोड़ी ना, बैग के अंदर चार्जर में थोड़ी ना चार्जर में ले जा रहा हूं। ओके ठीक, एक एक चीज़ें चिकू ने याद रख के रख ली है। चार्जर भी ले लिया है हमारी एथर का, और लैपटॉप का भी चार्जर ले लिया है। इतना बड़ा पेड़ आज गिर गया, ले लैपटॉप पकड़ा एकदम बैठ जाती। ये दोनों आगे जा रहे, अब हम इनको पीछे करते हैं। ये तूने चीटिंग से जीता है, अब फाइनली मैं चला रही हूँ स्कूटी। चलो चालू बैठो। हाँ ठीक है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा।
चला के अब मैंने चिकू को गाड़ी दे दी है। मैंने कैसी चलाई गाड़ी? अच्छी चली, बराबर चली, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट, कॉन्फिडेंस कम आ रहा है, कॉन्फिडेंस की कमी बस। पे आ गई और मम्मी ने तो आते में तुरंत खाने बिठा दिए है, तो खा लेते हैं जल्दी। 7 बजे जल्दी तो क्या है, बराबर ही है, 7 बजे तो खाना खा ही लेना चाहिए। और भाभी भी आज आ गए, भाभी इनके मायके थे, भाभी के एग्जाम थे, एग्जाम फाइनली कंप्लीट करके अब आ गए, अब नहीं जाना पड़ेगा ना तो ठीक है। अब आप और हाँ अब आते हैं हम, अब आप परमानेंट यहाँ पे हो गए हो ना? हाँ। यस सर आ गए अभी बाहर दुकान संभाल के, और ये यहाँ पर मस्त चल कर रहे हैं। नाना जी के आइस का ऑपरेशन करा है, नाना जी अभी रेस्ट पे हैं और हम बैठ के नाना जी से बातें कर रहे हैं। नाना जी को स्कूटी के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बाकी नाना जी हमारे बहुत होशियार, हर चीज को यानी समझ काफी वो देखती है। तो हाँ तो काफी लोग देखते हैं मेरे ब्लॉग्स के साथ साथ, और सब जनों की डिमांड है कि यार अच्छे ब्लॉग्स बनाए। मैं अच्छे ब्लॉग बनाता हूँ, बस ब्लॉग ही नहीं बनाता। अकेले अकेले शूट करती है, दूध कर दे। नीचे बातें कर कर मैं आ चुकी हूँ ऊपर और अब सो जाती हूँ, फिर काफ़ी टाइम हो गया है। आज का ब्लॉग आई होप आपको यहाँ तक देखने बाद अच्छा लग गया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय ब्लॉग, मिलते हैं कल, बाय।